हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप आज की इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना मुझे कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की एक बार फिर से फ्रेश स्टार्टिंग। तो देखो, सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट जरा भी सोचते हैं ना कि प्रॉब्लम आएगी, मैं आपसे कहता हूँ एक बार मेरे साथ खड़े हो जाओ, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी ना तो उसका सामना पहले मैं करूंगा। तो मैं बस आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि जरा भी टेंशन अपन को नहीं लेनी, जरा भी टेंशन आपको नहीं लेनी। मैं आपसे कहता हूं आपको फिजिक्स की खुशबू दिलाते हुए बिल्कुल आपको आगे बढ़ूंगा, तो टेंशन मत लेना। आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन जरूर हो गई होगी। तो बस आज से, अभी से अपनी एनर्जी को एक बार फिर से बूस्ट करो, खुद को रिचार्ज करो और आगे बढ़ते हैं एकदम नई खुशबू के साथ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4th क्लास 12th फिजिक्स। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को, मैग्नेटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनकी जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी आदि हो पाई है, पढ़ सकते हो आराम से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। देखिए, बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट से बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं बिल्कुल जोर डाल के इस बात को कह रहा हूं, आपको यह बात माननी पड़ेगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपको जरूर बताना है, मतलब आपको मुझे जरूर बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल हो पा रही है। बिकॉज जब दूसरा स्टूडेंट आता है ना तो वो आपके कमेंट से ही फीडबैक लेता है, तो जब आप कमेंट करोगे तो सामने वाले को पहले पता पड़ जाएगा कि ये वीडियो ठीक है, वो अपना टाइम इसके अंदर दे सकता है, तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अपने भगवान को याद करो और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की कहानी स्टार्ट होती है 1820 से। 1820 एक ऐसी साल थी जब फिजिक्स की पूरी दुनिया बदल गई, वो साल थी 1820। इस साल से पहले कहानी स्टार्ट हमारी, सारी चीज़ों को नोट कर दो चलना, मैंने कहा 1820 वो साल थी जब पूरी फिजिक्स की दुनिया बदल गई। इस 1820 से पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी, क्या माना जाता था, इस 1820 से पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। लेकिन 1820 में एक साइंटिस्ट हुए क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ठीक है। अब देखो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, या फिर कहें कि इनसे एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यह पता पड़ा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही ब्रांच हैं। थोड़ा सोच के देखो कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या रहा होगा। तो देखो, ऑस्टर्ड एक दिन अपने लैब में हमेशा की तरह कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो जिन चीज़ों की जरूरत हमें नहीं होती उन चीज़ों को भी अपने साथ में ले लेते हैं। कई बार जो है हमें स्केचिंग नहीं करनी, हमें किसी भी तरह का डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन हमारा जो है ना पेंसिल बॉक्स हमारे साथ में रखा होता है, उसमें पेंसिल भी है, शार्पनर भी है, इरेजर भी है, सारी चीज़ें है ना, और अब पेंसिल बॉक्स बोल के रखा, उसमें पेंसिल ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसी तरह से क्या होता है कि भाई कोई भी साइंटिस्ट अगर काम कर रहा है, कोई फिजिसिस्ट अगर काम कर रहा है, तो उसके टेबल पर भी फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें होना एक नॉर्मल सी बात है ना। तो भाई जो ऑस्टर्ड थे वो अपना एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उस एक्सपेरिमेंट में कहीं पर एक वायर था और उस वायर में करेंट फ्लो हो रहा था। उस वायर के जस्ट नीचे रखी हुई थी एक मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल की क्वालिटी आप जानते हैं भाई, मैग्नेटिक नीडल की क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पर आए ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर आए ये साउथ पोल। जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आएगी, जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगी, उस एरिया में जाएगी, उस वॉल्यूम में जाएगी, उस स्पेस में जाएगी, तब तब इसका जो कांटा होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, इसका जो कांटा होगा, नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो भाई ऑस्टर्ड हमेशा की तरह अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अचानक से उन्होंने देखा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कि भाई इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका कांटा कुछ इस तरह से हिला। तो उनका दिमाग घूम गया कि भाई ये जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, ये डिफ्लेक्शन केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है। उन्होंने देखा कि भाई मेरी टेबल पर किसी भी तरह के कोई भी मैग्नेट नहीं रखी हुई,
किसी भी तरह की कोई भी मैग्नेट नहीं रखी हुई, तो फिर ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, इसका कांटा हिला कैसे? तो उनका दिमाग घुमा, उनने सोचा कि मैंने किया क्या, उन्हें थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो उन्हें नोटिस किया कि भाई मैंने इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराया है ना, तो उन्हें क्या किया भाई, उन्हें जैसे मान लो कि भाई ये रही होगी बैटरी, इस तरह से ये रहा हुआ कंडक्टर, इसमें इस तरह से करंट फ्लो रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब जो है ना एक बार स्विच को ऑन एंड ऑफ करके देखा। जैसे ही स्विच को ऑन करते वैसे ही इसमें फिर से डिफ्लेक्शन होती, और जैसे स्विच को ऑफ करते वैसे इसमें डिफ्लेक्शन खत्म हो जाती। स्विच को ऑन किया ये फिर से हिलने लगी, स्विच को ऑफ किया ये निडल फिर से रुक जाएगी, है ना। स्विच को ऑन ऑफ करके देखा तो ऐसा पाया कि भाई इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही इसमें जो है ना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब साफ है कि भाई कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जरूर बन रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बिना इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो सोचा गया, जो सबसे पहली चीज जो नोटिस की गई वो ये थी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से किसी कंडक्टर में उसके अराउंड क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने एक चीज और नोटिस की, सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसके बाद उन्होंने रिवर्स किया, ऑब्जर्व कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब उन्होंने इस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का तरीका क्या कि भाई जो पॉजिटिव एंड से पहले कनेक्ट था अब उसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दो, करंट की डायरेक्शन अपने आप रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया कि देखा कि अगर इसका नॉर्थ पोल पहले अंदर की साइड जा रहा था, देखो वेरी स्टॉक होल्डर को देखो, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो पहले जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो देखा तो उन्होंने देखा कि भाई जो है ना इसका ये वाला एंड मान लो कि ये अंदर जा रहा था इस तरह से। फिर उन्होंने जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, अब ये वाला जो एंड है जो पहले अंदर की ओर भाग रहा था अब ये इस साइड को डिफ्लेक्ट होने लगा, तो उन्होंने देखा कि भाई जो है ना डायरेक्शन को रिवर्स करने से, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से जो है मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी उल्टे ही तरीके से हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स फॉर्मेट में हो रहा है। तो यहां से एक अंदाजा और लगाया जा सकता है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, करंट की डायरेक्शन सीधी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सीधी हो गई। यहां से इन दो बातों से ये डायरेक्टली यहां पे कंक्लूड किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों मिलकर के एक हो गए, और इनको नया नाम दिया गया जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। और आप नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हो कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हो, हमेशा याद रखना कि नेचर लव्स सिमेट्री, जो कहता जा रहा हूं आपसे आप उस चीज को नोट करें क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत सारी चीजें नोट करने के लिए हैं। हमेशा याद रखना इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इस नेचर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, भाई नेचर अपने रूल को कभी नहीं तोड़ती, तो याद रखना कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसी तरह से याद रखना कि हम अगले चैप्टर में, मतलब अगली यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा रहा है, तो आपसे कोई पूछे तो उसको बता देना कि हाँ जी दोनों वाइस वर्सा होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है, इनफेक्ट बनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये यहां पर हमें सबसे पहली बार पता पड़ा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की भी एक नई ब्रांच होती है।
फिजिक्स की। चलिए अब इसमें थोड़ा सा जो है ना, अब इसमें सोचा गया कि इस एक्सपेरिमेंट बॉस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में सोचा गया कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का कारण कौन है। थोड़ा सा फिजिक्स चाहती है चीज़ों को जितना ज़्यादा छोटा हो सके, जितना उसके अंदर जा सके उतना अंदर जाया जाता है, समझ गए। तो भाई ऑस्टर्ड ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण से, मतलब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और दिमाग लगाया गया, थोड़ा सा और अंदर जाया गया। कहाँ जाया गया? और अंदर जाया गया। तो सोचा कि लेट से ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मान लो ये वायर है, इसी को हमने थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दिया क्योंकि हम इसके अंदर जाएंगे ना, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है लेट्स इस डायरेक्शन में। जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसके नीचे रखी हुई मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ तो पता पड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। जरा सोच के देखो कि अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या वो करंट है जो फील्ड लाइन बना रहा है, या फिर हम इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर कौन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि इसके अंदर चार्जेस हैं, है ना। मतलब किसी भी कंडक्टर में बात करूं, अगर उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन उसके अंदर किसका मोशन हो रहा है, चार्जेस का। तो फिर वहां से सोचा गया कि मूविंग चार्जेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहां से जो मैं आपसे कह रहा हूं आपको कसम है भगवान की सारी बातों को नोट करते हुए चलोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन छोटी सी बातों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि याद रखो एक कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनी। सोचा गया कि भाई उस कंडक्टर के अंदर क्या क्या है, तो पहली चीज देखी गई कि उस कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्जेस हैं और उस मूविंग चार्ज के कारण बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और सोची गई कि भाई ये तो अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर से बन रही है आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड। सोचा गया कि भाई एक दूसरा कंडक्टर लेकर के आए, यहां पर जो है ना इस कंडक्टर को बढ़िया तरीके से घिस के, है ना, वेंडग्राफ जनरेटर से या फिर जो है ना सिंपल जो है क्लोथ्स वगैरह से इसको घिस के इसको जो है ना पॉजिटिवली चार्ज बनाया गया, इसको नेगेटिवली चार्ज बनाया गया और इसको बहुत ज्यादा चार्ज किया गया और ले जाके मैग्नेटिक नीडल के पास में रख दिया। लेकिन देखा कि स्टैटिक चार्ज से किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन रही। तो स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है, उसके अंदर चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा। क्या देखा हमने कि एक कंडक्टर को आपने चार्ज करके एक इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया ताकि उसका चार्ज लीक ना हो पाए। आपने एक कंडक्टर को चार्ज किया या फिर आपने एक इंसुलेटर को चार्ज किया या फिर आपने कहीं से बहुत ज्यादा चार्ज किसी बॉडी पर इकट्ठा कर दिया और इस मैग्नेटिक नीडल के पास में ले जाकर के रख दिया, तो हमने पाया कि स्टैटिक चार्ज के कारण ये नीडल नहीं हिली, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाया। तो आप यहां पे बड़ा सा क्रॉस लगाएंगे और लिखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनाता। तो स्टैटिक चार्ज यानी कि सिंपल एक रखा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टैटिक चार्ज है फिर ये क्या बनाता होगा, तो ये स्टैटिक चार्ज हमेशा बनाता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। रखा हुआ चार्ज एक जगह पर एक्यूमुलेटेड चार्ज हमेशा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो जरा सोच के देखो कि ये जो मूविंग चार्ज है, मैं एक कंडक्टर के अंदर करंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक चार्ज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर वो एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या क्या बना सकता है? तो याद रखना कि वो चार्ज है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा। मेरी बात को जरा गौर कर रहा, मैंने कहा आपसे कि मैं एक कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं कि लेट्स से मेरे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, मूव करा दिया मैंने, एक प्रोटॉन है, चार्ज है, मैंने पकड़ के उसको मूव करा दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, चार्ज है, मैंने उसको पकड़ के मूव करा दिया, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि एक मूविंग चार्ज क्या क्या बना सकता है, तो बोला चार्ज है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर मूविंग चार्ज है तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो याद रखना कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाते हैं और स्टैटिक चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, स्टैटिक चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अच्छा, तो जरा सोचने की कोशिश करो, एक करंट कैरिंग रॉड,
एक रॉड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक रॉड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो रॉड चार्ज्ड रॉड होती है? मैंने बोला कि एक रॉड जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो रॉड चार्ज्ड रॉड होती है? चार्ज रॉड समझते हो ना, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो अनइक्वल होगा। तो हमेशा याद रखना कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर CCC, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्योंकि तो हमने इसमें लगा दी बैटरी, बैटरी क्या करती है, बैटरी ये करती है कि भाई यहीं के इलेक्ट्रॉन्स को वापस से यहीं पे सर्कुलेट करती है, यहीं के चार्जेस को वापस से यहीं पे सर्कुलेट करती है, यहीं के चार्जेस को वापस से यहीं पे सर्कुलेट करती है। बैटरी ना तो कोई एक्सेस चार्ज देती और ना ही कोई एक्सेस चार्ज से लेती, है ना। तो इसके पास ये पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी ये न्यूट्रल रहता है। तो हमेशा याद रखना कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मूविंग चार्ज तो होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मूविंग चार्ज तो होते हैं अगर हम उसके अंदर घुस के देखें, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर खुद चार्ज नहीं होता, करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती। मैंने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अंदर झांक के देखें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो हो रहा होता है, यानी कि उसके अंदर चार्जेस का मोशन तो हो रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल होता है और कोई भी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती। तो आप हमेशा यहां पर बिल्कुल नोट करके पॉइंट लिख लेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर, लिख लो भाई यहां से लिख लो, इस बात पे मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट ना समझ पाए वो कमेंट करके बताएंगे, अब से मैं आपके डाउट्स के लिए अलग से वीडियो बनाया करूंगा। ध्यान रखो अपने डाउट्स को जरूर पोस्ट करना है आपको। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, तो हमेशा याद रखना कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, समझ गए। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये सारी बातें प्रूव करके देखी कि इस कंडक्टर में जो है करंट फ्लो हो रहा है और जो केवल ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा, ये तो हम चेक कर सकते हैं चार्जेस को ला करके। तो कैसे पता पड़ा, तो इसको सोचा गया क्यों नहीं बना रहा, तो देखा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक न्यूट्रल बॉडी होती है, इसके अंदर कोई एक्सेस चार्जेस नहीं होते, एक न्यूट्रल बॉडी होती है और न्यूट्रल बॉडी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती। अब मैं आपसे तीन बातें पूछता हूं कि ये बताओ स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज क्या बनाएगा, क्या बोलोगे? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज, ओनली चार्ज की बात कर रहा हूं, मूविंग चार्ज क्या बनाएगा, तो बोलना चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर मूविंग है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा साथ में। अच्छा, आपसे कहा गया करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या बोलोगे? करंट कैरिंग कंडक्टर एक न्यूट्रल बॉडी होती है और न्यूट्रल बॉडी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से निकले हुए कंक्लूजन्स के बारे में। अब बात करते हैं जरा सी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने एक्सपेरिमेंट करके ये पाया फोर्सेस की बात करें कि अगर मैं किसी चार्ज को ये सारी चीज़ें जो है ना हमने एक्सपेरिमेंटली अचीव की, है ना, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे लिख दें फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से कुदरत का एक आप ऐसे बोल सकते हो भाई, यहां से नेचर का आपको एक और चीज जो कि सिमेट्री वाला प्रिंसिपल है वो और सामने आएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरी चीज आप लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ देखिए, सारी चीजें हमेशा याद रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो क्या बोलोगे? तो हमेशा बोलना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए तो ऐसे बना देते हैं, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ये हो गई नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। मान लीजिए प्लेट्स आगे भी हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने माना कि एक पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। जब ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आता है ना, इस पर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर नहीं करेगा इस पर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा। और जैसे ही कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है इस पर फोर्स लगने लगता है, जो कि होता है F=QE। जब कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स से दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी वेलोसिटी बदल सकती है, या फिर मैं कहूं कि उसका जो है ना पाथ बदल सकता है, उसका रास्ता बदल सकता है, है ना। तो देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही इस पे एक चार्ज, जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो ये चार्ज आता तो सीधा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको नीचे पुश कर रहा है और नेगेटिव चार्ज नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जैसे ये चार्ज इसमें एंटर करेगा, ये जो है ना, ये इस चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, मूवमेंट होगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये इस पाथ को हम कौन सा पाथ बोलते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। कैसा पाथ है ये, पाथ ऑफ, या फिर मैं कहूं ट्रेजेक्ट्री कैसी है इसकी, प्रोजेक्टाइल। इसका मोशन कैसा हो गया, इसका मोशन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको क्या किया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको घुमा दिया? हां घुमा दिया, लेकिन क्यों घुमाया? तो उसका कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज को खुद की डायरेक्शन के अलोंग पुश करना पसंद करती है। अगर मैं हर चार्ज ना बोलूं तो ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को खुद के अलायन बनाना चाहते हैं, खुद के साथ पैरेलल और एंटी पैरेलल बनाना चाहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे भी आ रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहेगी कि पॉजिटिव चार्ज इसके साथ साथ मोशन करे, इसी की डायरेक्शन में मोशन करे। तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी सीध में लाना चाहती है, अपने साथ अलाइन कराना चाहती है, और वही इसने कर दिया। अब ये चार्ज सीधा जा रहा था ना, अगर मान लो ये प्लेट यहां ना होती और प्लेट अगर ये मान लो ये नीचे होती, ये प्लेट नीचे होती, तो ये चार्ज यहां से बिल्कुल सीधा जाता और यहां पे जाकर के टकरा जाता। ये प्लेट अगर होती नहीं और मतलब बहुत बहुत ज्यादा नीचे होती तो ये चार्ज यहां से अब मूव नहीं, मतलब अब अपनी डायरेक्शन को ना बदलते हुए ये सीधा जाते हुए चला जाता। तो याद रखना कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगता है F = Q into E, और इसका जो मोशन होता है वो स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, देन इट अलाइंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पजेसेस ए स्ट्रेट मोशन, है ना। बात समझ में आ गई आपको? चलिए भाई अब यहां पर जरा देखो कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कराने की कोशिश करती है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर किस तरह से फोर्स लगाती है, ठीक है। ये बात हुई किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कौन क्रिएट करता है, तो भाई मैग्नेट के पोल्स, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भाई यहां पर हो गया आपके पास, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया मैग्नेट का साउथ पोल। आप समझते हो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। बोला सर हमें पता है, हमारी बात तो सुनो, ये जो नॉर्थ पोल है किसी और मैग्नेट का है, ये जो साउथ पोल है किसी और मैग्नेट का है। आप ऐसे मान सकते हो कि ये एक दूसरी मैग्नेट है। अभी आपको दिमाग ही लगाना है इस पे, बस सुन लो, ये एक दूसरी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है नीचे की साइड, और ये ऊपर की साइड इस वाली का ये साउथ पोल है। तो इसके नॉर्थ से दूसरे के साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जारी है, क्योंकि हम जो है ना सर्कुलर नहीं बता सकते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बस आपको अभी का मानना है, अभी का ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की ओर है, ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, क्लियर। अब देखो, अब कोई चार्ज यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, डजंट मैटर, जब ये चार्ज यहां पर इस तरह से एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं चाहती कि ये मेरे साथ साथ आगे जाए, नहीं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के इसको गोल गोल घुमा देगी, इसकी जलेबी बना देगी, और ये जलेबी इसकी जब तक बनती रहेगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। जरा यहां पर एक बहुत बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है कि जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको पकड़ के चक्कर खिला देती है, इसको गोल गोल चक्कर लगा देती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा देती है। कैसा? सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये इसको सर्कुलर मोशन करवा देती है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमेशा एक चीज आपको नोट करनी है, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज भी बनाते हैं और स्टैटिक चार्ज भी बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज और स्टैटिक चार्ज दोनों को अफेक्ट करती है। एक चीज हमेशा नोट करो, लिखो यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, बताओ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज भी बना सकता है और मूविंग चार्ज भी बना सकता है। तो नेचर को तो भाई सिमेट्री पसंद है, तो नेचर भी कहती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस बना सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अफेक्ट दोनों चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों चार्जेस बना सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस को परेशान कर सकती है, दोनों चार्जेस को अफेक्ट कर सकती है। कैन अफेक्ट स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज। तो अगर कोई चार्ज लाकर के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, बोला ये चार्ज लेकर के आए और इस चार्ज को यहां पे रख दिया, तब भी इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, और अगर कोई चार्ज मूव करते हुए आ रहा है तब भी इस पे फोर्स लगाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा रूल नहीं है। नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को तो बस सिमेट्री से प्यार है। तो नेचर ये कहती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन? बोला बनाते हैं मूविंग चार्जेस। तो फिर मैं अफेक्ट भी किसको करूंगी? सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस। तो हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली अफेक्ट मूविंग चार्जेस। ठीक है ना? अब मैं क्या कहूं इससे। आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये एक छोटा सा डॉगी है भाई, अगर जो मूव कर रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसको ही इफेक्ट करेगा। और जो शांति से बैठा हुआ है, जो शांति से खड़ा है, उसको कोई नहीं। आपने सुना भागने वाले के पीछे कुत्ता दौड़ता है, तो बस ये भागने वाला है। ये प्यारी से मैग्नेटिक फील्ड को शब्द मत यूज करना, ठीक है ना? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज या फिर किसी भी तरह का चार्ज के अंदर एंटर करा, और जैसे ही मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको पकड़ के सर्कुलर मोशन करा देगी। जबकि हम देखते हैं कि एक चार्ज को हमने लेकर के आए और सिंपल इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ले जाकर के प्लेस करा दिया, सिंपल रख दिया, तो हम पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगाती। ये हमने नोटिस किया। बोला सर कि हमने नोटिस कैसे कर लेते हैं, हमें कैसे पता पड़ता है कि ये एक चार्ज, क्योंकि हमने चार्ज देखा नहीं है, ये चार्ज हमने ला के रख दिया, ये कैसे पता पड़ेगा? तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने एक मेटल का एक बहुत हल्का सा पीस ले लिया, है ना, एक इन्फिनाइटली स्मॉल पीस ले लिया मैंने मेटल का, या फिर एक बहुत छोटा सा चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई भी, मैंने जैसे मान लो कोई पेपर भी है मेरे पास, पेपर को मैंने चार्ज कर दिया, ठीक है, अब इसका बहुत बहुत छोटा सा पार्टिकल अगर मैंने ले लिया और उसको पकड़ के मैं मोशन करा दूँ इस तरह से, और चार्ज पार्टिकल ये गोल गोल घूम जाए उसके अराउंड, तो पता पड़ जाएगा मुझे, है ना, कि चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल के तौर पे, पॉजिटिव चार्ज के तौर पे, हम किसी एक मटेरियल को लेते हैं, उसको चार्ज देते हैं और यहाँ से चार्ज पार्टिकल के रूप में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई। आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करने वाले हैं, नोट करोगे। अब सवाल हमारा ये उठता है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे और ये भी नोट करोगे, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इसकी जो है ना एक्सेलरेशन इसको मिलती है। क्या मिलती है? कोई फोर्स लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसी होती है? इसमें देखो, इसकी डायरेक्शन ही बदल रही है और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ही बदल रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोथ चेंजेस,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोथ चेंजेस। लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे नोट करना है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जिस वेलोसिटी के साथ, जिस लीनियर वेलोसिटी के साथ इसमें घुसता है ना, उसी लीनियर वेलोसिटी के साथ इसमें घूमता रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नोट करो, यहाँ पे नोट करो, डज नॉट चेंज। मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं बदलती, तो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलती लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आया था उसी कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ ये घूमता रहेगा, बट चेंजेस डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन तो होगी, बट चेंजेस डायरेक्शन। तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कि भाई फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन तो हमेशा होती है, तो इस केस में हम एक्सेलरेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे, बोला बिल्कुल मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में से, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना वैल्यू है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी अगर बदल गया तो फिर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हो गई। तो भाई ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज को एक्सेलरेट तो कराता है लेकिन उसकी वेलोसिटी को नहीं बदलता। तो आपसे मैं बिल्कुल हाथ जोड़ कह रहा हूं, आप इसको तरीके से नोट करेंगे कि कोई भी जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो जिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ वो आता है उसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चक्कर लगाता है। बात क्लियर है इतनी। चलिए, तो ये कुछ एक रूल हुआ किसके लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज और समझनी है कि जिस तरह से कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगता है, इसी तरह से अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर कितना और कैसे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत छोटी सी बात है, तीन चीजें हैं इसमें कि कोई भी फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, किसी चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सारी चीजें नोट कर पा रहे हो, जल्दी तो नहीं हो रहा ना, बहुत धीमे धीमे चला रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन भी लिख सकते हो, है ना, हेडिंग बना लो फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहली चीज हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगी। ठीक है, तो देखो दूसरी चीज, कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज होगा कम फोर्स लगेगा, बड़ा चार्ज होगा ज्यादा लगेगा। इसके बाद दूसरी चीज यह है कि कितना फोर्स लगेगा उस चार्ज पे डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तीसरी चीज यह है कि उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। मतलब तीन बातों पर डिपेंड करने वाला है कि चार्ज कितना बड़ा छोटा है, मतलब मैग्नीट्यूड एक कूलाम का है दो कूलाम का है। इसके बाद और कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तीसरी बात ये कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो पकड़ के इसको बहुत ताकत से घुमा देगी। समझ गए बात को। चलिए भाई, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। यहां से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और यहां पर एक नया कॉन्स्टेंट आ गया। क्या आ गया भाई, एफ इज इक्वल टू के क्यू बी बी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या माना कि यहां पर हमने ये माना कि लेट्स से k इज इक्वल टू वन। ठीक है, k को हम वन मान सकते हैं। k को हम वन जब मानते हैं जब हम कभी भी किसी फॉर्मूले में पहली बार किसी क्वांटिटी को, किसी नई क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो। मेरी बात को सुनो कि हमने सर k को वन मान लिया, क्या हम इस तरह से k को वन मान सकते हैं? तो हाँ मान सकते हो कि यदि आप किसी डेरिवेशन में पहली बार किसी क्वांटिटी को, किसी नई क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन में के को वन मान सकते हैं। तो यहां पर हम पहली बार किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स हम जानते थे, चार्ज हम जानते थे, वेलोसिटी हम जानते थे, बस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये बी क्या है, तो ये याद रखना ये बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है ये बी। क्लियर है, तो देखो यहां पर देखो एफ इज इक्वल टू, मतलब के को आपने क्या मान लिया, के को आपने मान लिया वन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी। क्लियर, नाउ ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म, दैट मीन सिंपल स्केलर फॉर्म।
ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर साइन लगाया, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो कोई भी चार्ज मतलब कोई भी साइन नहीं लगाया। अब देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगाया, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगाया। याद रखना कि दो वेक्टर का इनटू हो रहा है, दो वेक्टर से के इनटू से तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर मिल जाए, दो वेक्टर के इनटू से तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर मिल जाए तो ये प्रोडक्ट कैसा होता है, ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है। समझ गए, दो वेक्टर का इनटू हो रहा है, दो वेक्टर से के इनटू से तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर मिल जाए तो ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो मैंने फिर यहां पर क्रॉस का साइन लगा दिया। समझ गए, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा, क्लियर। तो देखो अब अगर मैं इसी को वापस से इसका मैग्नीट्यूड में लिखता हूं तो मैं इसको लिख पाऊंगा QF is equal to QVB sin थीटा। जब भी मैं sin थीटा या cos थीटा लिखता हूं तो जो मेरे वेक्टर साइन होते हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं, ठीक है। तो F क्योंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, sin थीटा, या A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता तो ये cos थीटा हो जाता। तो आप इस फॉर्मूले को नोट करें, ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें कुछ वो बातें भी बताता है जो हम आपको अभी अभी बता चुके हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट करो, यहाँ से कुछ कंडीशन हमारे सामने निकल के आएंगी, कुछ जरूरी बातें हमारे सामने निकल के आएंगी, अब आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये फॉर्मूले आप इसको इक्वेशन वन बना दो, टू बना दो, कुछ भी बना दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से देखो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है तो हमेशा यहां पे नोट करना, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा एंगल है वी और बी के बीच का, दैट मींस किस किस का एंगल है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमने मान लिया, यहां से देखो अब आपको कितनी चीजें पता पड़ेंगी, यहां से आपको मैक्सिमम मिनिमम फोर्स के बारे में पता पड़ सकता है। तो यहां पे देखो हमने कहा कि अगर कोई चार्ज जिसकी वेलोसिटी जीरो है, अगर कोई चार्ज जिसकी वेलोसिटी जीरो है यानी कि स्टैटिक चार्ज है, रखा हुआ चार्ज है तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो क्यू इंटू जीरो इंटू बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा भाई, उस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि यदि किसी चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो उस पर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। चलिए ये तो नॉर्मल बात है, मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स की। तो देखो फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है, ये बताओ मुझे, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मतलब साइन 90 पे 1, बाकी सब में जो है 0 माइनस 1 वगैरह इस तरह चलती है। देखो मैंने कहा कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर कोई चार्ज इस तरह से इस डायरेक्शन में इसमें एंटर करता है तो ये चार्ज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ऐसे घुमा देगी या फिर ऐसे घुमा देगी, यानी कि सर्कुलर मोशन कराएगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे घुमाएगी। तो ये चार्ज आया, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, बोला इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, बोला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। अच्छा यहाँ से हम एक ज़रूरी बातें और टेस्ला को डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्यू वी बी साइन 90, तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू बी मतलब क्यू वी बी। तो जब भी हम क्यू वी बी लिखते हैं तो हमेशा याद रख लेना कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, समझ गए। तो ये क्या है भाई, इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा चार्ज पे, कितना लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। मान लो कि चार्ज अगर इस तरह से इसमें एंटर करता कि ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये हो गया चार्ज, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हो गया आपके पास वेलोसिटी, तो एंगल कुछ और बनेगा। तो जब एंगल कुछ और बनेगा तो कुछ और कंडीशन होगी। अच्छा एक चीज़ और कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नोट करो भाई, ये नोट करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे आप स्टार बना देना, तारा बना देना, सितारा बना देना, जो आपका मन करे वो बना देना, कि यहाँ से नोट करो कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर अफेक्ट चार्जेस
पैरेलल और एंटी पैरेलल टू, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा नोट करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है और अगर कोई भी चार्ज मूविंग है ना, आप यहां पे लिख देंगे मूविंग भी, इवन मूविंग चार्ज, यहां तक कि मूविंग चार्ज को भी किसी तरह से कोई भी इफेक्ट नहीं करती। तो याद रखना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, ठीक है, अब अगर कोई भी चार्ज इसके पैरेलल आता है, मतलब कोई भी चार्ज इस तरह से इसी डायरेक्शन में आता है, मतलब पैरेलल आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको पकड़ के गोल गोल नहीं घुमाएगी, ये जैसे जा रहा था इसको जाने देगी। समझ गए? अगर कोई चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ये रही नीचे, और अगर कोई चार्ज ऊपर की साइड जाता है, दैट मीन्स एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब भी इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, भले ये मूविंग ही क्यों ना हो। देखो, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं कि F is equal to QB, और अगर जैसे मान लो कि वेलोसिटी चार्ज के नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, तो V और B के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 0 degree। तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है 0, तो फोर्स कितना लगेगा? 0। समझ गए? तो अगर कोई चार्ज मूविंग भी है और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या फिर एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, 0 degree पर है या फिर 180 degree पर, तो हमेशा याद रखना कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे साइन 180। तो F इज इक्वल टू आपका QVB साइन 180 हो गया, साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई। तो आप इस चीज को तरीके से नोट करो, बहुत अच्छे से नोट करो, बस 2 मिनट का आपका लेक्चर और रह गया है, इसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है? नोट हो गया, हटा दें इसको। चलिए एक सेकंड रुको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, अब हमें यहां से एक बहुत छोटी चीज और डिफाइन करनी है, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आज की इस क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। देखो, आपका एक कमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका कमेंट आपका फीडबैक है, आपका प्यार है, आपका मोटिवेशन है, जरूरी इसलिए है ताकि मुझे लगता है कि भाई मेरे स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्ट में कम से कम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, लेकिन उनका कॉमेंट अगर मेरे पास वीडियो में नहीं आ पाता तो मुझे, जैसे जिन स्टूडेंट्स का रेगुलर कमेंट आता है ना, मैं उनको भले उनको फेस से ना जानता हूं, लेकिन उनके नाम से मैं जरूर जानता हूं, एक नाम से ही मेरा कनेक्शन उनके साथ है। तो बस एक ही बात कहूंगा, भाई कमेंट अपना जरूर करें, आपका कमेंट अगर आता रहेगा तो आपकी इमेज मेरे दिमाग में बनती रहेगी, आपको इन फ्यूचर जब आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम अगर कोई होती है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जरूरी बात क्या है कि जब आपका और मेरा कनेक्शन होगा ना, आप देखो कनेक्शन है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मैं नाम से जानता होगा तो मुझे जो है ना, आप समझ सकते हो ना कि एक अच्छी वाली बॉन्डिंग बन जाती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करें, आपको समझ में ना आया तब भी कमेंट करें। आपका जो छोटा भाई है अभिषेक साहू प्रो, वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, यहाँ भी सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलोगे? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। इससे पहले जो CGS यूनिट चलती थी, वो थी गॉज, है ना, गॉज। एक टेस्ला कितना बड़ा होता है इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक टेस्ला और गॉज का क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे? एक टेस्ला में 10^4 गॉज होते हैं, 10^4 गॉज होते हैं, समझ गए? अब हम बात करते हैं, ये तो आपका SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच में रिलेशन हो गया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताओ कि एक टेस्ला कितना होता है, तो हमेशा याद रखना कि एक टेस्ला सच में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है इसको हम देख लेते हैं। अगर मुझे एक टेस्ला को डिफाइन करना है तो बस मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, F = QVB, ठीक है? 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो 1 टेस्ला कितना होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्स हो गया आपका 1 न्यूटन, ठीक है? फोर्स हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 कूलाम का चार्ज है 1 मीटर पर सेकेंड, और क्यू वी बी कंसीडर किया है ना, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो मैं F = QVB एंगल लेता हूँ, ठीक है? चलिए, तो 1
1 मीटर पर सेकेंड। देखो फोर्स 1 न्यूटन, चार्ज है 1 कूलाम का, वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं लिख दिया कितना 1 टेस्ला। इसकी यूनिट कितनी है? टेस्ला, 1 टेस्ला। अच्छा देखो यहां पर क्या याद रखना कि व्हेन, आप यहां पर नोट करेंगे, यहां पर देखो जब 1 न्यूटन का चार्ज, नोट कर लो, हिंदी में नोट कर लो, आप अपनी भाषा में नोट करो कि जब 1 न्यूटन का चार्ज, सॉरी जब 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री किस किस के बीच का एंगल होगा? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, ठीक है। तो जब 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 90 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो जो फील्ड है ना उस पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाती है, जब फील्ड उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाती है उस चार्ज पे, तो हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बोले ये मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। तो क्या बोलोगे? व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम, नोट कर लो, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद 1 मीटर पर सेकेंड हैविंग एंगल 90 डिग्री बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, देन इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज, then this intensity of magnetic field is 1 टेस्ला। समझ गए? 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 90 डिग्री एंगल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो और उस पे 1 न्यूटन का फोर्स लग जाए, तो हम ये मानते हैं कि ये इंटेंसिटी जरूर 1 टेस्ला इंटेंसिटी है, ठीक है ना। इससे पहले डिफाइन नहीं किया गया था, तो हमने 1 1 यूनिट मान करके सभी को डिफाइन कर दिया, नो ऑब्जेक्शन। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये बातें हुई कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक बातें, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बेसिक बातें। तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं और न्यूमेरिकल्स अलग से करेंगे, जो कहा है उसको पूरा करूंगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कराऊंगा मैं, आप लोग जब तक प्रैक्टिस करो आपके सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लो। जो कहा है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, जान लगा दूंगा आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे लिए जान लगाएं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मैं जो कहा है उसको पूरा करूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कराऊंगा, एनसीईआरटी के मतलब जो सीबीएसई के सैंपल पेपर को आपके साथ जरूर सॉल्व करूंगा। जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड्स के हैं वो भी टेंशन ना लें, आपके लिए भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो बस मैं आपसे चाहता हूं आपका कमेंट, आपका सपोर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑन द सेम टाइम। थैंक यू।